तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बड़े के पाए की रेसिपी। बहुत ही कम से बहुत ही झटपट बनते होते हैं, खाने में ये बहुत ही मज़े के होते हैं। इसको आप नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। बहुत ही आसानी से ये घर पर बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इधर हमने बड़े के दो पाए लिए हैं जिसको हमने अच्छे से तीन चार पानी से धो लिया। आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद इसको हमने 2 टेबल स्पून विनेगर लेके उसको पानी में भिगा दिया था, इससे हमारे पाए जो है वो एकदम साफ हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको भुनवा के लिया था, इसको हमने छिलवाया नहीं था, इसको और अच्छे से हमने इसको खूब साफ कर लिया। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमने जो है 600 ग्राम बोंग का गोश्त लिया था, देख सकते हैं इसको हमने अलग रखा हुआ है। और इसी के साथ ही एक नली थी, इस तरह से हमने इसको अच्छे से इसको भी धो लिया और इसको हमने साइड रखा। चलिए अब शुरू करते हैं इसको बनाना। इधर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, आप चाहें तो इसको भगोने वगैरह में भी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें बना सकते हैं। जिसमें आप बनाएंगे, आप भगोने वगैरह में डिक्ची में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं इसलिए जल्दी से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आप जिसे बनाना पसंद करो उसमें डाल लीजिए। इस तरह से यहाँ पर हमने जो है इसके पीस वगैरह जो है वो डाल लिए हैं। यहाँ पर हमने नली और बोंग को अभी नहीं डाला है। इस तरह से हम इसको जो है दो बार में अच्छे से इसको उबाल लेंगे, क्योंकि हमारा बोंग का गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाता है इसलिए हम यहाँ पे उसको नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है अपनी नली को यह बचा लिया है और यह जो है ये बोंग का गोश्त है, इसको हम जो है अभी साइड रख देते हैं, पहले हम इसको बना लेते हैं। अब इसी के साथ ही इसमें हम पानी डाल देंगे। यहाँ पर हम 1 लीटर के आसपास इसमें जो है पानी डाल देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, जिस हिसाब से आपके पाए वगैरह हो आप उस हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें हम साबुत सौंफ डाल देंगे। आप चाहे तो इसको यहाँ पर पोटली बना के भी डाल सकते हैं और इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है, और इस तरह से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने साबुत धनिया लिया हुआ है, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अब एक बार इस तरह से बना के देखिए। यहाँ पर हमने 2 तेज़पत्ते लिए थे जिसको हमने इस तरह से बीच में से तोड़ लिए। तोड़ देंगे तो इससे अच्छे आसानी से रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, चलाने में भी दिक्कत होती है। और एक दो से 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून हल्दी लिया है, इसको भी हमें इसमें डाल देना है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े के हमारे पाए बन के तैयार होते हैं। एक बार हम इसको चम्मच से मिक्स कर देंगे अच्छे से, हमारे मसाले वगैरह हैं जो वो अच्छे से डूब जाएँ और अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका फ्लेवर जो है अच्छे से पानी तक में उतर जाएगा, तो बहुत ही अच्छी हमारी इसी ग्रेवी बन के तैयार। इसी के साथ ही इसमें हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक इसको इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि हमारे पाए जब तक अच्छे से गलने आते तब तक हम इसको पका लेंगे। उसके बाद खुशे पेशे निकलने के बाद हम इसको देखते हैं। इधर हमारे कुकर में 4 से 5 सीटी लग चुकी है, आप देख सकते हैं इसका प्रेशर अच्छे से निकल चुका है। इसको 10 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया था, बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे पाए जो है गल, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं और अच्छे से ये गल भी चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पाए जो है वो हड्डी छोड़ना शुरू कर दिया। बस अब इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे, अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमारे बाकी बची हुई नली वगैरह है उसको भी हम इसी तरह से गला लेंगे। फिर हमने फिर से वही प्रेशर कुकर चला दिया, जो हमारी नली वगैरह थी हम इसमें डाल देंगे। जो हमारे बोंग वगैरह जो हमने हटा के रखे थे उसको हमें इसमें डाल देना है। ये बोंग जो है वो जल्दी से गल जाते हैं इसलिए हम इसको अलग से ही गलाएंगे। अगर आप जो चाहें तो उसको किसी बर्तन वगैरह में अगर गला लें तो आप उसमें पहले पाए को डाल दीजिए, उसको गला लीजिए, जब आधा वो गल जाएगा कम से कम 50 से 60%, तब आप जो है बोंग के पीस को डालिएगा, तो इससे जो है बोंग जो है हमारी साथ में बराबर से गल जाएगी। नहीं बोंग जो है, बोंग का गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाता है, नली वगैरह भी जल्दी से गल जाती है, इसको गलाने में टाइम नहीं लगता है। इसी के साथ ही यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। इसी के साथ ही यहाँ पे हम फिर से इसमें नमक डाल देंगे, अदरक लहसुन डाल देंगे, हल्दी और थोड़े थोड़े से मसाले डाल देंगे। इस तरह से हमें डाल के इसको फिर से जो है प्रेशर लगा देंगे और 3-4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे हम। इसको बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं गलाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमें सब चीज़ डाल देना है। इसी तरह से फिर से हमने सब चीज़ डाल दिया है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको फिर से पकने के लिए रख देंगे। और जब हमारा ये प्रेशर कुकर से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। इधर हमारा कुकर का प्रेशर निकल चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे बोंग का क्या हाल है। देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है और मज़े से एकदम गल चुकी है। हमारी जो है नली में से जो है ये गोश्त वगैरह एकदम छूटने लगा है। जब इस तरह से ये गोश्त अगर छोड़ देता है तो आप समझ लीजिए हमारा जो है पाए वो अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी ने जो है हड्डी छोड़ना शुरू कर दिया है। चलिए इसमें से हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी को निकाल लेंगे और इसके पानी को जो है हम किसी स्ट्रेनर की मदद से हमें छान लेना है। जो इसके मसाले वगैरह हैं हम उसको अलग कर देंगे। इस तरह से हमें सभी को निकाल लेना है।
इधर हमने इसी तरह से अपनी सारी नली वगैरह और बोंग वगैरह को निकाल लिया। अब देखिए पानी आया है इसमें जो है, इसको हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे। आप उसी बर्तन में निकालिएगा, इसको छान के रख लीजिए जिस बर्तन में आपको अपनी जो है पाए को जो तैयार करके रखना है। छानने के बाद ये जो सारी जो है जो पीस हमने निकाल के रखे हैं, ये भी हम उसी में डाल देंगे। ये मसाला वगैरह एकदम छान लीजिएगा, छान के अच्छे से निकाल लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पाए वगैरह हैं, इसको भी हम खाली कर लेंगे और इसको भी हम इसमें से निकाल लेंगे और इसका ही पानी जो है हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे खड़े मसाले हैं जो इस तरह से ये मुंह में आएंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए हमें इसको भी छान लेना है। छानने के बाद इसी बर्तन में हम सबको रख लेंगे। इधर हमने सभी पीस वगैरह को अच्छे से निकाल लिए थे, निकालने के बाद पानी को छान लिया, छानने के बाद हमने इसी बर्तन में रख दिया। अब इसमें जो हमारी नली वगैरह है उसको भी हम डाल देंगे और डाल के इसको जो है हम इसी तरह से साइड रख देंगे। और चलिए हम इसके आगे की हम तैयारी करते हैं। अभी जरा हम एक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन चढ़ा दिया, पैन को हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून जो है जीरा डाल देंगे, 5 से 6 लौंग डाल देनी है हमें, 1 टीस्पून ही इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, 1 टुकड़ा हमें जावित्री का लेना है और दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े 1-1 इंची के इस तरह से मिल लेना है। इसका फ्लेवर जो है इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टुकड़ा जो है जायफल का ले लेंगे हम और 4 छोटी इलायची ले लेना है हमें। और इसी के साथ इसमें 1/2 टीस्पून इसमें हम सौंफ डाल देंगे। सौंफ हम पहले ही डाल चुके हैं, इसमें यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाला है। इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है, इतना रोस्ट करिएगा कि इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और हमारे मसाले जो है वो हल्के हल्के रोस्ट हो जाए, इसे कलर नहीं बदलना चाहिए। इस तरह से इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद इसका हमें एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है अच्छे से। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसको हम साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इधर जब तक हमारा मसाला ठंडा रहा, यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम यहाँ पे 4 टीस्पून जो है धनिया ले लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास अखा धनिया है, साबुत धनिया, तो आप उसको भी रोस्ट करके और पीस सकती हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है पिसी हुई धनिया थी, तो यहाँ पे हमें 4 टीस्पून जो है धनिया ले लिया है। इसी के साथ ही इसमें हम 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ले लेंगे। हल्दी पाउडर हम पहले ही डाल चुके हैं अपने जो है पाए वगैरह में, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून ही लेंगे और इसी के साथ ही 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, तीखा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका मिर्चा हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इसे हम पानी डाल देंगे। अब पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जो है हम साइड रख देंगे। और हमारे मसाले वगैरह भी ठंडे हो गए होंगे, चलिए उसको भी पीस लेते हैं। जो मसाला हम पीसेंगे तो उसको भी हमें इसी में मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम सब मसाला एक साइड रख लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको जो है, इधर हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें हम 5 हरी मिर्चें ले लेंगे और डाल के इन सभी चीज़ों का हम एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है जिसमें हमने यहाँ पे जो है 2 कप तेल डाल दिया है। अगर स्पून से लेंगे तो यहाँ पे हमने 10 से 15 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 बड़ी बड़ी प्याजें ली थी, उसको हमने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इसको हमें चलाते हुए अच्छे से एकदम गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करिएगा, इसको गोल्डन कलर तक के हम इसको चलाते हुए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आप हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं हमने फ्लेम को हाई रखा था, हाई फ्लेम पे हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसमें से हम सभी प्याजों को निकाल लेंगे। इस तरह से आप सभी प्याजों को तेल को अलग करते हुए और सभी प्याज जो है आप इसमें से निकाल लीजिए। इधर हमने सभी प्याज वगैरह निकाल ली, निकाल के इसको अच्छे से इस तरह से फैला दीजिए। मैं प्याज ठंडी जाएगी तो इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए हम इसको साइड रख देते हैं, इसके आगे तैयारी करते हैं। तो फिर से हमने फ्लेम ऑन कर लिया, हमने फ्लेम बंद कर दिया था, प्याज को निकाल लिया था। अब इसमें इसी तेल में हमें यहाँ पे 2 तेज़पत्ते डाल देने हैं। इसी के साथ ही हम 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे ही हमें अदरक लहसुन को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। इधर हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया, फ्लेम पर हमने लो ही रखा था, लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं अदरक लहसुन अच्छे से भुना है, बहुत अच्छे से इसमें सोने सोने की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे जो हमने अपने मसाले वगैरह निकाले जिसका पेस्ट बना के तैयार किया था, उस मसालों को हम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर हमने जो अपने सारे मसाले हैं इसी में सब मिक्स कर लिए थे, मिक्स करके इसी में हमने उसको पीस लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, लो करके इसको पहले अच्छे से मसालों को पकने देंगे, देख सकते हैं। इसी के साथ ही जो हमारे बाउल में पानी और मसाला वगैरह लगा है इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, डाल के जो है हम इसको भी इसी में डाल देंगे। मसालों को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा, इस तरह से पानी डालते हुए मसालों को जो है इसमें डाल दीजिए। इधर हमारा मसाला मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पक रहा है। अब इसको धीमी आंच से पकाएंगे तो ये अच्छे से पक के तैयार हो जाता है, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। आप अपनी जो है अखनी वगैरह में नमक चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगता है तो आप डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी मत डालिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाला है, डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए मसालों को अच्छे से पका लेंगे।
और इधर हमारी प्याज भी ठंडी हो चुकी है, इसको जो है हम ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। इधर आप देख सकते हैं फ्लेम को हमने लो रखा था, लो फ्लेम पे ही हमने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया। हमारे मसाले एकदम दानेदार हो चुके हैं और इसमें से तेल भी छूटने लगा है। अभी इस स्टेज पे जो हमने अपने प्याज को फ्राई रखा था उसको ग्राइंडर जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, हमें इसको डाल देना है। डाल के इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और इस स्टेज पर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। हमने मसाले को जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूना है। अब हम प्याज को जो है फ्लेम को हाई कर लेंगे। हमारे मसाले वगैरह अच्छे से पक चुके हैं और हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इधर हमने प्याज को भी डाल के चलाते हुए अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया, इसमें तेल वगैरह निकलने लगा है और मसाला हमारा जो है वो बर्तन छोड़ने भी लगा। बस हमने मसाले को इससे ज़्यादा अब नहीं भूनना है, इसको हम साइड कर देंगे। और चलिए हमने अपने जो है पाए को भी एक तरफ बॉयल होने के लिए रख दिया था, चलिए देखते हैं उसका क्या हाल है। इधर हमने एक साइड पे पाए को पकने के लिए रख दिए थे, आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब जो हमने अपने मसाले को भून के रखा है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो किसी बर्तन में मसाले को भून लीजिए और उसमें ही अपने पाए को उलट दीजिए, या फिर आप चाहें तो इस तरह से मसाले को अलग बर्तन में भून के और इस तरह से जो है इसमें डाल दीजिए। डाल के अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ही हल्के हाथों से उसको अच्छे से मिक्स करिएगा क्योंकि हमारे पाए जो है वो बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इस तरह से जो है उसके पीस जो है वो टूटने लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम हड्डी वगैरह जो है एकदम छोड़ चुके हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं इस तरह से आप इसको अच्छे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे आप मिक्स करेंगे वैसे ही हमारी ग्रेवी का कलर भी बदलना शुरू हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से हमारे सालन का कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया। जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर और डार्क होने लगेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको ठीक रखी है। अभी ये पकती है तो ये और गाढ़ी जाती है। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके इसको जो है 5 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। फिर आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं हमारे पाए को पकते हुए, बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। बहुत ही अच्छी से इसमें खुशबू भी आ रही है, कलर भी आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा इसका हो चुका है और हमारे पाए एकदम तैयार हैं। इस तरह से देख सकते हैं इसका सालन भी गाढ़ा हो चुका है। जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही और गाढ़ा होता है। इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम केवड़ा वाटर डाल देंगे। आपके पास जो भी हो, जो आप पसंद करते हैं आप उसको डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके फ्लेम को बंद कर देंगे और चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। इधर हमारे पाए एकदम सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में जितने मज़े लग रहे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मैंने देखा कितनी आसानी से बन तैयार होते हैं, खाने में उतने मज़े के होते हैं। आप इसको नान के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं।